प्रोसेसेस को रिवाइज भी कर लिया था। वो तीन प्रोसेसेस कौन से थे? सबसे पहले तो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। इसी से रिलेट करके हमने सेंट्रल डोगमा के बारे में भी पढ़ लिया था लास्ट टाइम, ठीक। क्या था कि डीएनए से अगर डीएनए ही हम सिंथेसिस करवा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। जब हम डीएनए से उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवा रहे हैं इनटू द आरएनए, व्हिच इज सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड डीएनए इज व्हाट? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल, ओके। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए वाज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू अ प्रोटीन, जब हमने प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली विद द हेल्प ऑफ आरएनए, इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया था? ट्रांसलेशन। क्या बोल दिया था इस प्रोसेस को हमने? ट्रांसलेशन। और एक और प्रोसेस हमने लास्ट टाइम सीखा था कि अगर हम आरएनए से दोबारा से डीएनए बना रहे हैं, अगर हम डीएनए की सिंथेसिस करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए, देन दिस प्रोसेस वाज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोसेस है आरडीटी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, और बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में बहुत कॉमन प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो आरएनए बन रहा है वो ऐसे का ऐसे तो यूज हो नहीं सकता, हमको उस आरएनए को थोड़ा सा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रोकैरियोट्स में है फिर तो हम डायरेक्टली यूज कर लें, पर अगर यूकैरियोट्स में जो डीएनए से आरएनए जब बन रहा है तो उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, हमको उनकी प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है। इन आरएनए की हमको प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है। इन आरएनए के अंदर होते हैं कुछ इंट्रूडिंग सीक्वेंसेस, इंटरनल सीक्वेंसेस नोन एज इंट्रॉन्स। इन इंट्रॉन्स को हमको एलिमिनेट करवाना पड़ता है या इनको हमें डिलीट करवाना पड़ता है फ्रॉम दिस आरएनए सीक्वेंस। हमको इस आरएनए सीक्वेंस में से इंट्रॉन्स को डिलीट करवाना पड़ता है, माइनस करवाना पड़ता है, और एक्सॉन्स को रखना होता है। तो इंट्रॉन्स को डिलीट जो करवा रहे हैं हम, उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया था? स्प्लाइसिंग। क्या बोल दिया हमने उसको? स्प्लाइस कर दिया, स्प्लाइसिंग, ठीक है। एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कैप लगा देते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, ठीक है। आरएनए के 5 प्राइम एंड पे हम एक कैप लगा देते हैं मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया था? कैपिंग। और 3 प्राइम एंड पे हम इसकी करवा देते हैं बहुत सारी एडेनिन बेसिस जो है, बहुत सारे एडेनिन अराउंड 200 से 300 और इवन मोर, हम उन इतने सारे एडेनिन बेसिस को 3 प्राइम एंड पे जो है अटैच करवा देते हैं। और इस प्रोसेस को हमने बोल दिया था टेलिंग। क्या बोल दिया था हमने इस प्रोसेस को? टेलिंग, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि जब आरएनए से हमको प्रोटीन बनाना है तो उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हमको चाहिए होंगे। हमको उसके लिए एक राइबोसोम चाहिए, हमको उसके लिए एक एमआरएनए चाहिए, हमको इसके लिए एक एमआरएनए चाहिए, एक राइबोसोम चाहिए। राइबोसोम पे बहुत सारी साइट्स होती हैं, ईपीए साइट, ठीक है। और साथ ही साथ हमको एक चाहिए इसमें टीआरएनए, ठीक है, जिसके यहाँ पे एंटी कोड करने का सिस्टम हो। और एमआरएनए क्या ला रहा था? ट्रिपलेट्स में कोड, जिनके एंटी कोडोन जो थे वो टीआरएनए पे प्रेजेंट थे। जो कोड आ रहे हैं उनके एंटी कोडोन टीआरएनए पे है, उस हिसाब से डिपेंड होगा कौन सा अमीनो एसिड टीआरएनए पे जुड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं जैसे जैसे नए नए कोड्स आते रहते हैं, और जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उसको हम फिर स्प्लिट कर देते हैं जब स्टॉप सीक्वेंस आ रहा था, है ना। क्या पढ़ा था हमने? जब स्टॉप सीक्वेंस आ रहा था तब ये अमीनो एसिड का अटैचमेंट बंद हो रहा था, और फाइनली जब ये पेप्टाइड चेन बन गई थी इसको फिर हमने स्प्लिट करके अलग करवा दिया और ये बन गया हमारा प्रोटीन। ऑल्दो हाँ, इसमें भी कुछ प्रोसेसिंग होती है इस प्रोटीन में, क्योंकि हो सकता है कि इस ये जो आपका प्रोटीन बना है, ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके, तो इसकी एक बार प्रूफ रीडिंग तो करनी पड़ती है कि सब ठीक है या नहीं, ठीक
फिर उसके बाद में इसको हो सकता है फोल्ड करना हो या इसको पैक करना हो, तो उसके लिए भी प्रोसेसिंग लगती है। हिस्टोन प्रोटीन, चैपिरॉन, बहुत सारी चीजें होती है, वो आपके इतना सिलेबस में नहीं है। बट हाँ, इस प्रोटीन को भी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसका भी या तो इसको किसी वेसिकल में डालना पड़ेगा हमको, या तो इसकी भी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस जो थे ये हमने कर लिए थे ऑलरेडी। ठीक, आज हम लोग करेंगे अबाउट दी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूकेरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन है वो बहुत सारे लेवल्स पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लेवल देख लेते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है ना, और जो वो एमआरएनए बनता है जब, या जब डीएनए से जब आरएनए जब बन रहा है, उस समय में ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारा बना है, ठीक है, इस समय में हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब हम चेक कर सकते हैं सब कुछ ठीक है या नहीं। ठीक है, सब ठीक है तो ठीक है, हम इसको आगे भेज देंगे, इस आरएनए को जा प्रोटीन बना ले। अगर नहीं है तो फिर इसको थोड़ा थोड़ा हमें मरम्मत करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो जीन एक्सप्रेशन है हम कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, स्प्लाइसिंग के टाइम पे। स्प्लाइसिंग के टाइम पे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो आरएनए था इसमें जितने भी इंट्रोन्स हैं उनको निकाल दो बाहर। ये चेक करना पड़ेगा हमको कि क्या सारे इंट्रोन्स बाहर निकल गए। अगर सारे इंट्रोन्स बाहर निकल गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको ठीक से दोबारा से प्रोसेस को स्टार्ट करो और सारे इंट्रोन्स को बाहर निकालो। ठीक है, क्योंकि हमको इंट्रोन्स नहीं चाहिए। थर्ड, कहाँ पे आप रेगुलेट कर सकते हो इसको, जब आप एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोसोल में जब ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ना, उस समय में आप जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय भी आप चेक कर सकते हैं सब ठीक है तो साइटोप्लाज्म में भेज दो। ठीक, तो जब न्यूक्लियस से एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है उस समय हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। फोर्थ लेवल पे हम कैसे कर सकते हैं, जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रहा है, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उस समय में, यानी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के समय में हम जीन्स को रेगुलेट, उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, जीन के एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो हो गए प्रोसेस वाले, जो सेल के अंदर सब सिस्टम हो रहा है वो। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। कि आपके बहुत सारे जीन्स होते हैं दे आर एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड और एनवायरमेंटली इनहिबिटेड। हो सकता है कुछ एनवायरमेंट है वो कोई जीन के लिए सप्रेसिव साबित हो, कुछ एनवायरमेंट है वो कुछ जीन के लिए पॉजिटिव साबित हो जिससे वो एक्सप्रेस हो सके। ठीक है, तो एनवायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जीन एक्सप्रेशन में। ठीक है, ऐसे आपकी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो भी जीन एक्सप्रेशन में रोल प्ले करेगी। ठीक, फिर आपकी डेवलपमेंट कैसी हुई है, आपका फंक्शनिंग कैसे चल रहा है बॉडी में, वो भी डिपेंड, वो भी आपको बताएगा आपका जीन एक्सप्रेशन कैसा होगा। ठीक है, आपके बॉडी में जो आरएनए पॉलीमरेज है क्या वो ढंग से काम कर रहा है, क्या वो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो उस सिग्मा फैक्टर को देख पा रहा है दूर से चमकता हुआ। ठीक है, क्या वो आरएनए पॉलीमरेज ठीक से आरएनए बना पा रहा है। ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है सही प्रोडक्ट के लिए, सही जीन एक्सप्रेशन के लिए। अगर इनमें से किसी भी चीज में गड़बड़ हो गई तो फिर गलत आरएनए बन सकता है, गलत प्रोटीन बन सकता है, और अगर एक बार गलत प्रोटीन बन गया तो गलत फंक्शनिंग कर सकता है वो सेल, हो सकता है कैंसर हो जाए, हो सकता है बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए। इसलिए हर लेवल में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वो प्रोसेस ठीक से हो रहा है। अगर वो प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा तो हमको उसी टाइम उसको ठीक करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे क्या होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है ना, मैंने आपको बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोग पेरेंट डीएनए को स्प्लिट कर देते हैं दो में, और फिर उसके बाद में एक न्यू जो डीएनए सेगमेंट है वो बनता है फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन, और इसका जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, जो पेरेंट स्ट्रैंड होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट पोलैरिटी शो करता है। ओके, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर तो डीएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक, अगर जब डीएनए से डीएनए बन रहा है तो हमको क्या चीज ध्यान में रखना है कि क्या उसमें सारे बेस पेयर ठीक से लगे हुए हैं, क्या उन बेस पेयरिंग ठीक से, क्या वहां पे बेस पेयरिंग ठीक से हुई हुई है, क्या वो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है वो ढंग से अलाइंड है,
क्या वो जो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है वो ठीक से अलाइंड है, ये सब चीज हमको देखना है। अगर इसमें से कोई चीज गड़बड़ है तो हम उसको भेज देते हैं डीएनए को रिपेयर के लिए, फिर डीएनए रिपेयर के लिए जाता है। जब एक बार ठीक हो गया उसकी दोबारा से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक बार अगर खराब डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो वही फिर आगे जाएगा, वही आगे आरएनए बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए डीएनए रिपेयर बहुत जरूरी है रेप्लिकेशन के टाइम। दूसरी बात, जब डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के समय, तो हमने क्या करना है, डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करनी है इनटू आरएनए। डीएनए से आरएनए बना रहे हैं हम, तो इसके इन्फॉर्मेशन मतलब इसमें से इसमें ट्रांसफर करना है हमको, राइट। अब अगर ये मान लो यहाँ पे था इसका डिफेक्टिव पोर्शन, अब ये डिफेक्टिव पोर्शन के पास होगी डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन, और वही डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपकी आरएनए के पास जाएगी, और वही डिफेक्टिव आरएनए फिर बनाएगा आपका डिफेक्टिव प्रोटीन, और डिफेक्टिव प्रोटीन इज वेरी डेंजरस, इट कैन कॉज मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर, इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो, ठीक है। इस वजह से हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है दैट एवरी प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन अ करेक्ट सीक्वेंस इन अ करेक्ट मैनर। हर प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है, आरएनए फॉर्मेशन में या सिंथेसिस में आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस में हमको टीआरएनए के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग के लिए, उसकी एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। तो इस वजह से जो एंजाइम्स है क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है आपका जीन एक्सप्रेशन कैसा होगा। अगर एंजाइम प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो सही जीन एक्सप्रेस होगा जो होना चाहिए, अगर नहीं कर रहे तो डिफेक्टिव जीन एक्सप्रेस होगा, ठीक है। मान लो आपकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है बॉडी की वो गड़बड़ है बहुत दिनों से, हो सकता है कोई ना कोई एंजाइम आपके बॉडी में वो ठीक से काम नहीं कर रहा, हो सकता है, ठीक है। अब एंजाइम्स अगर आपके बॉडी में ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसका प्रोसेस भी अफेक्ट होगा, ठीक है। और मान लो वो एंजाइम था आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम था, आरएनए पॉलीमरेज खराब हो गया, गड़बड़ हो गया, काम नहीं कर रहा, तो आरएनए तो नहीं बन पाएगा ढंग से, ठीक है, या डिफेक्टिव बनेगा, ठीक। तो इस चक्कर में हमको सब कुछ देखना पड़ता है कि सब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके। तो इस बेसिस पे आप अपने जीन्स को रेगुलेट कर सकते हैं, उनका एक्सप्रेशन, या ये फैक्टर्स होते हैं जो आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक। फिर एक आता है आपका कि बहुत सारे ओपेरोन्स होते हैं, ठीक है, जैसे लैक ओपेरोन, ओके। तो लैक ओपेरोन की फंक्शनिंग जो है वो आपको पढ़नी है। नाउ व्हाट इज दिस लैक ओपेरोन, किन्होंने डिस्कवर किया, जेकब एंड मुनांड, इन दोनों ने लैक ओपेरोन को डिस्कवर किया था। इन दोनों ने क्या किया, दे फर्स्ट शोड द ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन द लैक ओपेरोन, कि एक लैक ओपेरोन में ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सीक्वेंस कैसे शो हो रही है, द सीक्वेंस विच इज डिपेंडेंट ऑन ट्रांसक्रिप्शन, वो कैसे शो हो रही है एक ओपेरोन में, वो बताया मैं, ठीक है। ओपेरोन का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या क्या चीज होती है ओपेरोन में, एन ओपेरोन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन जिनके पास सारे एक्सप्रेसिव जीन्स हैं, बहुत सारे उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है इन जीन्स के पास, ठीक है। दे हैव सम प्रोमोटर सीक्वेंस एंड दे हैव सम रेगुलेटरी जीन, ठीक है, एक है स्ट्रक्चरल जीन, एक है प्रोमोटर सीक्वेंस और एक रेगुलेटरी जीन, ये चीजें लैक ओपेरोन के पास होंगी, ठीक। रेगुलेटरी जीन और स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शन क्या है, जो रेगुलेटरी जीन होती है आपकी, ऑल्सो नोन एज जीन आई या इनहिबिटरी जीन, ये क्या करती है, दिस कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरोन। ये जो रेगुलेटरी जीन होती है या इनहिबिटरी जीन होती है, ये क्या होती है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है ताकि लैक ओपेरोन को स्टॉप कर दे वर्क करने से, लैक ओपेरोन को ये स्टॉप करवा देती है या उसको रिप्रेस कर देती है। सो दिस इनहिबिटरी जीन एक्चुअली इनहिबिट द लैक ओपेरोन, ओके। रेगुलेटरी जीन या इनहिबिटरी जीन, इसका काम क्या है, टू इनहिबिट द फंक्शनिंग ऑफ लैक ओपेरोन,
टू इनहिबिट द फंक्शनिंग ऑफ लैक ऑपेरोन. ये रेगुलेटरी जीन का काम. स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या है लैक ऑपेरोन में? बेसिकली तीन स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं. अगर ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स शो हो रही हैं या एक्सप्रेस हो रही हैं तो ट्रांसक्रिप्शन होगा. अगर ये स्ट्रक्चरल जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. ठीक है, कैसे? तीन तरह की स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, जेड वाई ए के नाम से. ठीक, तीनों का अलग अलग अपना अपना नाम होता है, वो समझ लेते हैं हम क्या क्या नाम होता है इनका. एक होता है जेड जीन, वाई जीन और ए जीन. जेड जीन का नाम क्या है या फंक्शन क्या है? जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोकाइडेज. ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन क्या होता है? इसको लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, इस जेड जीन के पास क्या होता है? इस जेड जीन के पास कोडिंग होता है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम. द जीन कंसिस्ट ऑफ कोड for beta-galactosidase enzyme and this beta-galactosidase enzyme function in the conversion of lactose to glucose and galactose. Okay? Y gene kya hota hai? Y gene codes for permease. Kya code karti hai Y gene? Permease. Theek hai? Aur permease ka kaam kya hota hai? To increase the permeability of cell. किसके लिए? टू इंक्रीज दी परमीएबिलिटी ऑफ सेल. सेल की परमीएबिलिटी को इंक्रीज करवाती है वाई जीन. ठीक है, किसके लिए इस परमीएबिलिटी इंक्रीज करवानी है? परमीएबिलिटी क्या होता है? परमिशन एक तरह से. ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन की परमीएबिलिटी इनको इंक्रीज या सेल में इनको परमीएबिलिटी इंक्रीज करवानी है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की. सेल जो है परमिट करे बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी को. ठीक है, ये कोड होता है वाई जीन के पास. परमीएज एंजाइम का जो कोड है वो किसके पास है? वाई जीन के पास. लास्ट आपका आता है ए जीन. ए जीन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज. ओके, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम. तो जेड जीन किसके साथ कोड करता है या किसके लिए कोड करता है? जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन कोड्स फॉर permease and a gene codes for transacetylase. हो गए तीन, या तीन एंजाइम. स्ट्रक्चरल जीन जो है वो तीन जीन्स को कैरी करते हैं, z, y and a gene. z gene codes for beta galactosidase, y gene codes for permease and a gene codes for transacetylase. Now what is happening? See, जो रिप्रेसर है दैट इज सिंथेसाइज्ड कॉन्टिन्यूअसली फ्रॉम जीन आई. जो जीन आई है वो फटाफट कॉन्टिन्यूअसली रिप्रेसर बना रहा है एक. ठीक है, और ये रिप्रेसर क्या कर रहा है? ये रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर साइट ऑफ लैक ऑपेरोन एंड प्रिवेंट्स द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग. कैसे? मान लीजिए दिस इज लैक ऑपेरोन और यहाँ पे ये है ओ नाम से ऑपरेटर साइट. ओके, ओ नाम से क्या है? ऑपरेटर साइट. और यहाँ पे ये जीन है जेड वाई एंड ए जी, मान लीजिए. ठीक है, तो जीन आए क्या करेगा? मान लीजिए ये है जीन आए. ये जीन आए अगर एक्टिव है तो ये बनाएगा रिप्रेसर. ये आर मान लो रिप्रेसर. अगर ये जीन एक्टिव है तो ये बनाएगा रिप्रेसर और ये रिप्रेसर इस ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा और ये आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा कि तू यहां मत आ. अगर आरएनए पॉलीमरेज नहीं आया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. तो ऐसा लैक ऑपेरोन जिसमें रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से बाइंड किया हुआ है, ऐसा लैक ऑपेरोन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा. ठीक है, अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा तो ये जीन्स जो है
इनकी एक्टिविटी शो नहीं कर पाएंगे. जैसे जेड जीन को बनाना था बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन से ही तो बने. एक वाई जीन को बनाना था, जैसे इसमें ए जीन को बनाना था जैसे ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, ऐसे वाई जीन को बनाना था परमीज, रेड जीन को बनाना था इसे इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो वो तो नहीं बनेंगे, अब तीनों नहीं बन रहे बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट अकरिंग. ठीक है, तो होता क्या है इसमें, इसके तोड़ में क्या आता है, इसके तोड़ में टक्कर देने के लिए आता है लैक्टोज. ठीक है, अब लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन. Why? Because lactose is acting as an inducer. Lactose हमको चाहिए beta galactosidase की activity के लिए भी, हमको पता है. Because beta galactosidase क्या करेगा, lactose को glucose और galactose में convert करेगा, यही है ना, मतलब lactose तो चाहिए हमको beta galactosidase की activity के लिए. एक तो ये function हो गया, ठीक है. दूसरा function क्या है कि lac operon में अगर हम lactose डाल रहे हैं तो वो एक तरह से inducer का काम करेगा. इंड्यूसर का काम कैसे करेगा कि ये क्या करेगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो ये लैक्टोज जाके बाइंड कर जाता है रिप्रेसर से. क्या करेगा ये लैक्टोज जो है, मान लीजिए ये लैक ओपेरोन मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है, जेड वाई और ए जीन, ठीक, ये था मान लो ऑपरेटर जीन और ये मान लो था रिप्रेसर, ओके, एंड ये मान लीजिए ये है लैक, सॉरी लैक्टोज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज लैक भी बोल सकते हैं, इसी से लैक ओपेरोन नाम रखा हुआ है, ओके. तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज प्रेजेंट है ना, तो वो जाके बाइंड कर जाएगा इस रिप्रेसर के साथ और इस रिप्रेसर को बोलेगा रुक जा, तू बस अपनी जगह पे रुक जा, ठीक है. एक बार इस लैक्टोज ने इस रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड कर लिया तो अब ऑपरेटर को रोकने वाला कोई नहीं, ऑपरेटर को रोकने वाला कोई नहीं, तो जो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बेचारा वेट कर रहा था कि कब ये रिप्रेसर यहाँ से हटेगा और कब मैं जाके ऑपरेटर से बाउंड होऊंगा और कब जाके इनकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, ठीक है. अब उस आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज को वेट करने की जरूरत नहीं है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब इस ऑपरेटर के साथ बाइंड होएगा प्रोमोटर रीजन पे और इस के बाइंडिंग के बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन विल टेक प्लेस. ट्रांसक्रिप्शन होगा मतलब ये जेड वाई और ए जीन जो है अपना काम ठीक से कर पाएंगे. जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देगा, वाई जीन जो है वो परमीएज बना देगा और जो ए जीन है वो ट्रांस एसिटाइलेज बना देगा. तीनों ने अपना काम कर दिया, ठीक है. दिस इज नोन एज लैक ओपेरोन, जिसमें शुरुआत में जब लैक्टोज नहीं था तो रिप्रेसर ऑपरेटर साइड पे बाइंड हो रहा था प्रोमोटर रीजन पे और वहां पे आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप कर रहा था कि तू मत आ यहाँ पे. आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और ये तीनों जीन अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाएंगे. जब हमने यहाँ पे लैक्टोज को डाल दिया तो लैक्टोज क्या हो रहा था, लैक्टोज वॉज एक्टिंग एज एन इंड्यूसर एंड दिस लैक्टोज नाउ वॉज बाइंडिंग विद द रिप्रेसर. Once the lactose bind with the repressor, then what happens is this operator is free, the promoter region is free. Now RNA polymerase will easily bind there. When RNA polymerase will bind there, it will initiate transcription. And these three genes, ZYA genes, can easily get transcripted into their following gene product or the following enzyme. ठीक है? This type of regulation is known as lac operon regulation of gene expression. ये कैसी रेगुलेशन थी, ये एक तरह से नेगेटिव रेगुलेशन थी. नेगेटिव रेगुलेशन कैसे, इसमें जब रिप्रेसर जुड़ रहा था ऑपेरोन से तो काम नहीं हो रहा था और जब रिप्रेसर नहीं जुड़ रहा था ऑपेरोन से तो काम हो रहा था. तो लैक्टोज जो है वो नेगेटिव ऑपरेटर था रिप्रेसर का. लैक्टोज वॉज नेगेटिवली ऑपरेटिंग द रिप्रेसर, उसको रोक रहा था, ठीक है. सो देयरफॉर दिस इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज लॉन्च्ड इन 1990, ये आपको याद रखना है, ठीक है. इसका एम क्या था कि हमको ना पूरा का पूरा हमारा जो जीनोम सीक्वेंस है, हमारा जितना भी डीएनए सीक्वेंस है, हमको वो सारा जानना है.
हर एक डीएनए के हर एक बेस पेयर, हर एक जीन का क्या काम है? हर एक डीएनए के सेगमेंट पे जितने भी जीन्स हैं, वो हर एक जीन का एक्सप्रेशन क्या है, वो जीन का क्या काम है, वो हमको जानना था। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमको बनाना पड़ा, दैट वॉज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, विच वॉज इनिशिएटेड इन 1990, एंड द मेन एम वॉज टू डिसअपीयर द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कंप्लीट ह्यूमन बींग का जितना भी जीनोम है उसको पूरा हमको जानना है, ये हमका हमारा एम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक है, टेक्निक कौन सी यूज की गई थी इसके लिए? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो इसके लिए यूज की गई थी, टू डिसिफर द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, थोड़ा सा डीएनए का कुछ सेगमेंट जो है वो आइसोलेट कर लिया। ठीक है, और उस आइसोलेटेड डीएनए के फिर बहुत सारे हमने क्लोन्स बना दिए। ठीक है, और उसके क्लोन्स बनाने के बाद फिर हमने बताया कि हाँ ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस इसके लिए कोड कर रहा है, ये इसके लिए कोड कर रहा है। 1990 में स्टार्ट हुआ ये, और जाकर ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। 2003 में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ, और हमारे पास कंप्लीट सीक्वेंस था। ठीक है, क्रोमोसोम वन, ओके, पूरा एक क्रोमोसोम का हमारे पास कंप्लीट सीक्वेंस था, विच वॉज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटी बात नहीं है ये। हमारे पास एक पूरे क्रोमोसोम का एक कंप्लीट सीक्वेंस था। ठीक है, कि इसमें कौन सा जीन क्या कोड कर रहा है। ठीक, कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हुई, जो रिजल्ट्स आए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स थे। क्या क्या रिजल्ट्स थे कि पता चला हमको कि वी हैव अराउंड 3,164.4 million बेस पेयर्स। इतने बेस पेयर्स है हमारे पास, बहुत बड़ी बात थी है इसको फाइंड आउट करना। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या फाइंड आउट की, दूसरी चीज हमने फाइंड आउट की दैट वी हैव अराउंड 30,000 जीन्स विद 3,000 बेस पेयर पर जीन्स। हर जीन के साथ अराउंड 3,000 बेस पेयर थे, और ऐसे कितने जीन्स है हमारे पास, 30,000 जीन्स है। तो मतलब ये हम सोच भी नहीं सकते, इट्स लाइक इनफाइनाइट टू अस। ठीक है, तो बहुत बड़ा हमारा सीक्वेंस निकल के आया था। ओके, फिर एक और बात पता चली हमको कि एक जीन था जिसका नाम था डिस्ट्रोफिन। ये जो डिस्ट्रोफिन जीन था, पता चला कि दिस डिस्ट्रोफिन जीन इज द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन हैविंग हैविंग 2.4 million बेस पेयर्स। ठीक है, तो डिस्ट्रोफिन जीन जो है दैट वॉज रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन। क्यों लार्जेस्ट? बिकॉज इट वॉज हैविंग वेरी मोर अमाउंट ऑफ बेस पेयर। अदरवाइज आप देखिए हर एक जीन के पास कितने बेस पेयर्स हैं? अराउंड 3,000 बेस पेयर्स हैं। पर इस जीन के पास देखो आप जरा, डिस्ट्रोफिन जीन के पास कितना बेस पेयर है? 2.4 million बेस पेयर्स। ठीक है, छोटी बात तो है नहीं है। ओके, अपने पास टोटल बेस पेयर कितने हैं? 3,164.7 million बेस पेयर तो हमारे पास टोटल ही है, उसमें से 2.4 million बेस पेयर एक ही जीन के पास है। तो ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ी फाइंडिंग भी थी। ठीक है, दूसरी चीज जो निकल के आई सामने अबाउट दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कि 99.9% ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड्स आर सेम इन ऑल पीपल। मतलब 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो सब में सेम है, सब ह्यूमन बींग्स में 99.9% बेस जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो सब सेम है। ठीक है, फिर हमको एक और बात पता चली कि हमारे पूरे ह्यूमन जीनोम में, कंप्लीट ह्यूमन जीनोम में
सिर्फ और सिर्फ 2%, ओनली 2% ऑफ जीनोम, जो पूरा जीनोम है हमारा, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2% कोड्स फॉर प्रोटीन, बाकी के बचा हुआ सारा का सारा डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ओनली 2% कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी फाइंडिंग्स हमको मिली थी, बहुत अलग अलग सी फाइंडिंग्स हमको हमारे ही जीनोम के बारे में पता चली थी। ठीक है, एक और बात पता चली इसमें कि लीस्ट नंबर, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स तो हमको पता चल गया, लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर फाउंड इन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम बेचारा गरीब है बहुत, वाई क्रोमोसोम के पास लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स है, सिर्फ और सिर्फ 231 ओनली। ठीक है, कहां आप देखिए यहां कितने थे। ठीक है, कहां आप देखिए कितने थे हमारे पास, 3000 बेस पेयर पर जीन्स थे हमारे पास। ठीक है, और अराउंड 30,000 जीन्स थे हमारे पास। ठीक है, कितने जीन्स थे हमारे पास, 30,000 जीन्स थे। हर क्रोमोसोम की बात हो रही है, ये एवरी क्रोमोसोम, या पूरा ह्यूमन बॉडी का मत सोच लेना, ये हर क्रोमोसोम की बात हो रही है, एवरी क्रोमोसोम। जीनोम इज लाइक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में क्या क्या है कंप्लीट वो है। ओके, तो इतने तो जीन्स है हमारे पास। ओके, और सबसे लीस्ट नंबर ऑफ जीन जिस क्रोमोसोम में हमको मिल रहे हैं वो था क्रोमोसोम बेचारा वाई। वाई क्रोमोसोम के पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ जीन थे, ओनली 231। ओके, ओनली 231 जीन्स वर प्रेजेंट ऑन दी वाई क्रोमोसोम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं अगले लेक्चर में इसलिए भी रख रही हूँ क्योंकि एक बार फिर इस हिसाब से पिछला भी सारा रिवाइज हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट विल बी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, माइक्रोब्स विच आर यूज इन ह्यूमन वेलफेयर। आज मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है, दैट इज लाइक रिविजन नोट्स फॉर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो उसको आप एक बार रीड कर लेना लेक्चर में आने से पहले। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू।